अगर आप चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपका शरीर खराब ना हो, आपका शरीर अगर खराब नहीं करना चाहती हैं आप, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर सेवन करें या आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर कर दें, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप इनका ज़रूर सेवन करें। एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर इस वीडियो की ज़रूरत आपके किसी रिलेटिव को है तो उसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका 9 मंथ शुरू हो गया है और आपको अभी भी लेबर पेन अभी भी नहीं आए हैं, तो आपको क्या ऐसा खाना चाहिए अपने 9 मंथ में जिससे कि आपकी लेबर पेन नेचुरल शुरू हो सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है, तो मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ बातें भी आपको बताऊंगी जिससे कि आपका नेचुरल लेबर पेन शुरू हो सकेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फूड है, फ्रूट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो है आपका पाइनएप्पल, ठीक है, अनानास जिसे कहते हैं। आप उसको 9 मंथ अगर आपका शुरू हो गया है और आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आप पाइनएप्पल खा सकती हैं। उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसे हम कोर बोलते हैं, आप उसको खाएं, वो आपके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी अगर आप ये 9 मंथ में इसका यूज़ करते हैं। इससे खाने से क्या होता है कि आपका जो बच्चेदानी का जो मुँह होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि आपको लेबर पेन, नेचुरल लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। सब और नंबर दूसरे पे आता है आपका पपीता। आपने सुना होगा कि 3rd मंथ तक पपीता खाने के लिए मना किया जाता है ना, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, लेकिन सभी लोग मना करते हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए। ये तो आपको भी पता होगा, है ना। तो आपका 9 मंथ अगर शुरू हो गया है तो अब आप पपीता खा सकते हैं। इससे भी आपका बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। नंबर तीसरे पे आता है गर्म चीज़ें। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी सच में चाहती हैं, आपको चाहते हैं कि लीवर पेन नेचुरली आपके शुरू हो जाए, तो आपको 9 मंथ जैसे ही आपका शुरू हो जाए वैसे ही आपको गर्म चीज़ें भर भर के खानी हैं। आप गरम जो लड्डू होते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लीजिए। आपने सुना होगा कि मम्मी लोग कहती हैं कि आप लड्डू बना दें, आप खा लो, लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन ये गलत है। आपका 9 मंथ शुरू हो गया है तो आप जितना हो सके अब ड्राई फ्रूट्स खाइए। इससे क्या होता है, आप में एनर्जी भी आती है और आपका ये नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि मेरी माँ ने भी मेरे लिए लड्डू बना के भेजे थे, तो मैं दिन में कम से कम 4 से 5 लड्डू मैं दिन में खा लेती थी। मैं सच कह रही हूँ, मेरा जैसे 8.5 मंथ हुआ था वैसे ही मैं लड्डू खाने लगी थी। मुझे बहुत पसंद आते थे, मैं 4 से 5 लड्डू दिन भर में खा लेती थी, गर्म ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू होते हैं। तो इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप इसे ज़रूर खाना, क्योंकि इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में भी आसानी रहेगी, आपको ताकत मिलेगी। तो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, बहुत स्टैमिना चाहिए होता है, तो इसके लिए आप ज़रूर लड्डू, ज़रूर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तो ज़रूर ही आपको खाने। नंबर 4 पे आता है, आपको 9 मंथ अगर आपका स्टार्ट हो गया है तो आपको घी का सेवन, जो देसी घी होता है, आप चाहें तो गाय का, चाहें तो आप भैंस का जो होता है वो, आपको 9 मंथ में घी खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। दिन में आप 2 बार दूध में मिला के आप घी पीने लगेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 100-10% कारगर है, मैंने किया है ये, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, क्योंकि आज के टाइम में ऑपरेशन होना इतना नॉर्मल हो चुका है, लेकिन हाल में तो ये होता है कि
ऑपरेशन करा लिया, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपके शरीर में इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी दिक्कतें, परेशानी होने लगती हैं, आपके इस बॉडी की जो हड्डियां हैं वो दर्द करती हैं। मतलब मेरी दीदी हैं, उनकी हड्डियां दर्द करने लगी हैं जबकि उनकी अभी कोई एज नहीं है, अब उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपका पहला है तो आप ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही करें, क्योंकि ऑपरेशन बहुत बेकार चीज़ होती है। आप ऑपरेशन से को जितना अवॉइड करें उतना करें। देखिए नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी देर का ही दर्द होता है, बस थोड़ी देर के लिए ही आपको झेलना है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक ही रहता है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा जोर दें और अपने खाने पीने की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान। अब नंबर 5 पे आता है जो बहुत 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 कारगर है, जो कि आपको बिल्कुल लास्ट में लेना है, वो है कैस्टर ऑयल। वो तो आपने सुना ही होगा, मैंने सुना था और मैंने इसका यूज़ भी किया है, तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी, बहुत अच्छा है इसलिए बता रही हूँ। आपका 9 मंथ शुरू हो गया है और आप चाहते हैं कि आपका लेवर पेन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो आप कैस्टर ऑयल का सेवन ज़रूर करें, बहुत अच्छा होता है। आप 1 कप दूध में इतनी सी छोटी सी शीशी आती है, आप उस शीशी को एक बार में पूरी 1 कप दूध में लेके आप उसको पी लें, बहुत फ़ायदा करेगी, आपकी लेवर पेन बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर हो जाएगी। तो प्लीज़ 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 आप इन चीज़ों का ज़रूर सेवन करें। आप इनमें से सभी का नहीं कर सकती हैं तो कम से कम 2 या 3 चीज़ों का तो ज़रूर ही करें, जैसे कि आप गरम लड्डू ज़रूर खाएं अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आप घी जो दूध में डाल के मैंने बताया वो, और कैस्टर ऑयल, इन 3 चीज़ों का आप यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो प्लीज़ अगर आप चाहती हैं कि आपका शरीर ख़राब ना हो, आपका शरीर अगर ख़राब नहीं करना चाहती हैं आप, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर सेवन करें, या आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर कर दें, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप इनका ज़रूर सेवन करें, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, हेल्पफुल तो लगा ही होगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत ही अच्छी बताई हैं, आप किसी से भी पूछ लेना जाके, आपको इनमें से सारी चीज़ें मैंने जो भी बताई हैं ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करी हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और आपका शरीर ख़राब ना हो, तो इसलिए ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप इन चीज़ों का ज़रूर यूज़ करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।